आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसका जवाब देने लगा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रीत का। प्रीत का क्वेश्चन है, सर मैंने बीएससी नॉन मेडिकल करी है, उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या लेना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में, प्लीज रिप्लाई। बीएससी नॉन मेडिकल में आपका हो गया फिजिक्स और केमिस्ट्री और साथ में मैथ्स, मेरे ख्याल में साथ में आपने जनरल पंजाबी, अगर आपने पंजाब से की है जनरल इंग्लिश ये भी पढ़े होंगे शायद। अब मेरे ख्याल में ये आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हो गए। आपने अगर जॉब के लिए डायरेक्ट एलिजिबल बनना है तो आपको इन में से ही चूज करने चाहिए, इनको प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्टिव लैंग्वेज की एलिजिबिलिटी तब बनती है अगर आपने 3 साल एज इलेक्टिव पढ़ी हुई है। ज्यादा और फैक्टर मैंने नीचे लिंक दिया गया है, उसमें वो है हाउ टू चूज बेस्ट कॉम्बिनेशन इन साइंस स्ट्रीम, बीएससी नॉन मेडिकल की बीच में काफी इलेबोरेटेड बात की है, वो वाला पोर्शन सिर्फ आप देख लीजिए। यहाँ पर डायरेक्ट आपका कॉमन बेस्ट कॉम्बिनेशन जो बन रहा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ आपकी बन गई साइंस। साइंस इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये टीजीटी लेवल पर आप एलिजिबल हो जाते हो और 3 साल आपने पढ़ा है, गवर्नमेंट क्राइटेरिया पर ये पूरा उतरता है, आप सीधे जो है एलिजिबल बन जाते हो। दूसरा आपको मैथ्स चूज करना चाहिए, साइंस और मैथ का आपका दी बेस्ट कॉम्बिनेशन है। कारण ये है कि ये भी टीजीटी के लिए एलिजिबल है, टीजीटी में 10th तक जो टीचर पढ़ाना चाहते हैं उसकी जॉब ज्यादा निकलती है, जॉब अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी हो गया और 3 साल आपने पढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट के लिए आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर ये करते हो तो आप ये ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं बना पाओगे, आपको एडिशनल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन का 3 साल के लिए उस लैंग्वेज का देना पड़ेगा, तब आप एलिजिबल होगे। दैट इज व्हाई द साइंस मैथ इज योर बेस्ट कॉम्बिनेशन। सर मेजर और माइनर सब्जेक्ट लेना है, मैं बायोलॉजी पढ़ी है, बायोलॉजी नंबर 1, बायोलॉजी का बन गया लाइफ साइंस, 1 हो गया, और पढ़ी है लाइफ साइंस, मेजर रखना है तो माइनर साइंस लेना जरूरी है या फिर इंग्लिश ले सकते हैं। देखिए आप मुझे ये बताइए कि आपने पढ़े कौन से सब्जेक्ट हैं, 3 जो मेजर इलेक्टिव सब्जेक्ट है ना वो कौन से पढ़े हुए हैं। आपने सिर्फ बायोलॉजी मुझे बताया है, क्या आपने बायोलॉजी के साथ इलेक्टिव इंग्लिश पढ़ी है? अगर आपने इलेक्टिव इंग्लिश पढ़ी है तो लाइफ साइंस के साथ आप इलेक्टिव इंग्लिश ले सकते हो, पर लाइफ साइंस के लिए एलिजिबिलिटी टीजीटी की नहीं बनती। आप वही वीडियो नीचे लिंक दिया गया है, एक बार देख लीजिए, पूरी डिटेल उसमें दी गई है, काफी फैक्टर मैंने डिस्कस किए हैं कि आप कैसे गवर्नमेंट जॉब तक के लिए एलिजिबल बन जाने चाहिए। टीजीटी के लिए यह नहीं बनती, इसके लिए आपको बायोलॉजी की फील्ड की पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, तब आप एलिजिबल होगे। अगर आप इंग्लिश लेते हो और आपने इंग्लिश जनरल इंग्लिश पढ़ी हुई है, पंजाब से की हुई है, तो आप इंग्लिश के लिए एलिजिबल नहीं हो, फिर इंग्लिश लेने का आपको कोई फायदा नहीं है। अगर इलेक्टिव इंग्लिश ली है तो फिर आप इंग्लिश ले सकते हो। अच्छा, साइंस आप अकेला साइंस जो है साइंस तभी ले सकते हो अगर आपने जैसे बायोलॉजी ली है, साथ में कोई और साइंस आपने पढ़ी है, बेशक वो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, व्हाट एवर इज, 2 साइंसेज आपने पढ़ी है तो साइंस आपको मिल सकता है। अगर 2 साइंस पढ़ी है तो बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका साइंस आपको लेना चाहिए, अगर 2 ये मिनिमम पढ़ी हुई है। उस वीडियो में लिस्ट दी हुई है कि जो गवर्नमेंट किन को जॉब के लिए एलिजिबल मानती है, कौन से सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए, दैट इज वाई वो पोर्शन आपको देख लेना चाहिए, नीचे लिंक दिया गया है। तो अगर आपका साइंस बन रहा है तो आपको साइंस के साथ अगर इलेक्टिव इंग्लिश है तो ये ले सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। साइंस के साथ आप फिर लाइफ साइंस ले सकते हो, अगर बनता है केमिस्ट्री फिजिक्स है, उस वीडियो में सारा बताया गया है। तो अगर आपका ये 2 नहीं बनते फिर आप लाइफ साइंस लेके साथ में मुझे भी नहीं पता कि और आपके पास फिजिकल साइंस है तो फिजिकल साइंस ले सकते हो, नहीं तो जो इंग्लिश इलेक्टिव ये ले सकते। नेक्स्ट है, सर चंडीगढ़ के कॉलेज के एंट्रेंस का भी प्रेपरेशन करवा दो। ऐसा करो मुझे फिर बता दो उसका सिलेबस वगैरह क्या है, मैं कंसीडर कर लेता हूँ। सर जिन्होंने बीएससी नॉन मेडिकल विच सीए की है, मीन मैथ्स प्लस फिजिकल फिजिक्स, सर उना दा भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दस दो। मैंने डिटेल में वैसे वीडियो बना दी है, नीचे लिंक दिया गया है, उसमें देख लीजिए, उसमें सभी के सभी कवर किए गए हैं। ये आपने है कि मैथ्स पढ़ा है और फिजिक्स पढ़ी है ना,
तो अगर मैथ्स आपने 3 साल पढ़ा है तो आपको मैथ्स पक्का सब्जेक्ट ले लेना चाहिए मेजर से। अगर मैथ्स के साथ फिजिक्स पढ़ी है तो फिजिकल साइंस, आपका फिजिकल साइंस साथ में आपको ही ऑप्ट करनी चाहिए। अगर मैथ और फिजिक्स के साथ आपने कोई और साइंस भी जैसे केमिस्ट्री या कोई और साइंस पढ़ी है जो मैंने उस वीडियो में लिस्ट दी है, उनमें से कोई साइंस पढ़ी है तो आप वो वीडियो इसलिए देख लियो कि वो लिस्ट आपको पता चल जाए। फिर आपको मैथ और साइंस का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, मैथ और साइंस का, दिस इज बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर ऐसा बनता है। हरजीत जी कह रहे हैं कि सर मेरा फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा किसी भी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज में। हाँ शाबाश, आपने मुझे एरिया बता दिया है तो कॉलेज विच हुन असी की करिए। सर मुझे बताना चाहिए आपको कि आपने ग्रेजुएशन में जो 1, 2, 3 सब्जेक्ट कौन से पढ़े हैं, ठीक है। नीचे फोन नंबर दिया गया होगा डॉक्टर अर्जेंद्र सिंह का, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए और आप बता दीजिए कि ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। आपको फोन नंबर यहाँ दे देता हूँ तो आपको गाइड कर देंगे कि बेस्ट आपके लिए क्या हो सकता है, क्योंकि आपने ये मुझे नहीं बताया दैट इज वाई मैं आंसर आपको नहीं दे सकता। आपकी कोई ना कोई ऑप्शन बनती होगी अकॉर्डिंग टू डीएमसी, देख के आपको हमें बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रनीत कौर, सर एमएससी बॉटनी, अगर एमएससी बॉटनी है तो आपको लाइफ साइंस मतलब बॉटनी नहीं छोड़नी चाहिए, इसके बेस पर आपका लाइफ साइंस का बनेगा ना। कॉम्बिनेशन दस दो प्लीज, साइंस या लाइफ साइंस। देखिए अगर आपने, ये तो हो गया लाइफ साइंस आपका पक्का, अगर आपने बीएससी में मतलब ग्रेजुएशन में अगर आपने केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो पढ़ी होगी, केमिस्ट्री के साथ अगर आपने मैथ्स या फिजिक्स पढ़ा हुआ है, मुझे नहीं पता क्या पढ़ा हुआ है, तो आप साइंस जरूर लीजिए। साइंस का ये बेनिफिट है कि आप टीजीटी के लिए डायरेक्ट बीएड के बाद एलिजिबल हो जाओगे जिसकी पोस्ट ज्यादा निकलती है एज कंपेयर टू लैंग्वेज या जो जनरल आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये दो साइंस पढ़ी हैं, नीचे लिंक दिया गया है कि हाउ टू चूज बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर अ साइंस स्ट्रीम, वो पोर्शन आप देख लीजिए, लिस्ट देख लीजिए। अगर आपने उसमें से दो साइंसेस की हुई हैं तो आप साइंस मत छोड़िए, मैं ये कह रहा हूँ साइंस मत छोड़िए। और साथ में साइंस के साथ मेरे ख्याल में लाइफ साइंस मिल जाता है, मैंने वहां डिस्कस किया है। तो अगर ये नहीं पढ़ी हुई तो आप लाइफ साइंस के साथ अगर कोई सिंगल सब्जेक्ट फिजिकल साइंस, नहीं फिजिकल साथ फिजिकल तो साइंस मिल जानी है, फिर आपने पता नहीं लाइफ साइंस के साथ अगर मैथ है पर फिर भी आपको साइंस मिल सकती है, मेरे ख्याल में साइंस आपको नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि आपने पीजीटी नहीं, पीजीटी के ही टीचर ज्यादा लगनी है, उनकी पोस्ट कम होती है ये बता दूं, और आपने लाइफ साइंस के ही लगना है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन है आप, वो फैक्टर मैंने सारे उस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो आप तो सोच सकते हो कि आप टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस ही लोगे, बेशक उसके लिए कंपटीशन ज्यादा। तो साथ में मुझे नहीं पता कौन से और हैं, क्योंकि साथ में मैथ्स या ये लिए जा सकते हैं। अगर ये नहीं है सिर्फ ये वाला आपका लाइफ साइंस का बन रहा है तो नेचुरली आपको लैंग्वेज लेनी होगी कोई ना कोई जनरल, जो इंग्लिश पंजाबी कोई भी आपके डीएमसी देख के पता चलेगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर इज द सिलेबस ऑफ बीएड कोर्स सेम फॉर ऑल कॉलेजेस इन पंजाब? बिल्कुल नहीं। देखिए ये 3 यूनिवर्सिटीज हैं, ये रही यूनिवर्सिटी नंबर 1 GNDU, ओके, दूसरी PU पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, तीसरी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो डिफरेंस है पेपर के नेचर में भी, एक वीडियो बना दूंगा जिनमें पेपर डिस्कस किए जाए गए होंगे। हाँ 100% इतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सभी ने जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन है जो NCT प्रोवाइड करती है उसके बेस पर ही इन्होंने सिलेबस बनाना है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि थोड़ा सा सिलेबस पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का कम होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का थोड़ा सा ज्यादा होता है, पेपर लेंथी होते हैं इनके, 3 घंटे के ज्यादा पेपर हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के 3 के बजाय 1.5 घंटे के भी कई पेपर हैं। जो नाम है पेपर के वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उसमें कंटेंट लगभग सेम है। हाँ 20% तक इजीली डिफरेंस आपको मिल जाएगा एक और दूसरी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट भी रिलेटेड क्वेश्चन ही है सर, वन डाउट इज द सिलेबस ऑफ बीएड सेम फॉर ऑल कॉलेजेस, इन्होंने कॉलेज का पूछा है। नहीं, ये जो अभी बताया था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में सेम होगा,
लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में गुरु नानक के यूनिवर्सिटी से डिफरेंट होगा, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड है, क्योंकि इवेल्युएशन जो करनी है, एग्जाम लेना है, वो उसी यूनिवर्सिटी ने करना है। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में हो तो आपका पंजाब यूनिवर्सिटी सभी कॉलेजेस का सेम होगा, अगर पटियाला में हो तो वो उस यूनिवर्सिटी का सेम होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन उसी यूनिवर्सिटी में लेना है। सर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कब सिलेक्ट करने हैं? सीते पर तो आ रहे हैं, माइनर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने की डेट 5/8/2022 है। नहीं, बिल्कुल गलत है। माइनर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने नहीं सिलेक्ट करना, ये तो कॉलेजेस को दिया था कि उन्होंने इंफॉर्मेशन देनी है कि उनके पास कौन से टीचर और माइनर सब्जेक्ट हैं। लेकिन माइनर सब्जेक्ट अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपने सिलेक्ट अभी करने ही नहीं है, सिर्फ मेजर सब्जेक्ट करना है। मेजर सब्जेक्ट जो है आपने 9 से 21 अगस्त के बीच ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी है, उसमें फिल करना है। उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाना है। कॉलेज जो अलॉट होता है उसके लिए आपको 3 से 4 दिन दिए जाते हैं, शायद 3 दिन। तो वो 3 दिन में आप कॉलेज जाओगे, अपने डॉक्यूमेंट डीएमसी वगैरह लेके आपका वेरीफाई किया जाता है और आपको गाइड किया जाता है। टीचर एजुकेटर बताते हैं कि आपके लिए बेस्ट माइनर सब्जेक्ट क्या होगा इन रिलेशन टू जो मेजर सब्जेक्ट। तो ये बिल्कुल नहीं है, इसकी फिक्र मत अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर चंडीगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है, क्या उसमें एमएससी जूलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, आपका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एडमिशन एजेंसी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में दिया गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, ये अगर आपने देखना है कि मैं वहां कर सकता हूं कि नहीं, आप एंटर कीजिए पंजाब BEdAdmissions.org, है ना। तो उसमें ये होगा कॉलेज वाइज सीट मैट्रिसेस, ये मैं दिखा देता हूँ, ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ है कॉलेज वाइज सीट मैट्रिसेस, यहाँ पर आएगा सिलेक्ट एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी, आपका चंडीगढ़ में है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट कॉलेज। आप यहां से देखिए कि आपने कौन से कॉलेज, 2-4 आपके कॉलेज प्रेफरेंस होगी, तो उस कॉलेज में जाके आप एंटर कीजिए, आपको सारी सीट मैट्रिसेस सामने आ जाएगी। मेरे ख्याल में इसमें चंडीगढ़ का गवर्नमेंट कॉलेज शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर कैन आई गेट एडमिशन इन बीएड विदाउट एंट्रेंस टेस्ट? यस, मैनेजमेंट कोटा है, उसकी एडमिशन जो फीस है आपको यूनिवर्सिटी को पे करनी होगी लगभग 2400 रुपए। तो आप किसी भी कॉलेज में जाइए, 13% जो है, 13% सीट्स मैनेजमेंट कोटे की होती है, उसमें आपको एडमिशन मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई एम पास्ट ग्रेजुएशन 2006 से 8 तक पॉलिटिकल रेगुलर गवर्नमेंट कॉलेज साइंस, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, लिटरेचर पंजाबी पढ़ा है, 53% नंबर है। तो पीजीडीसी रेगुलर ये है, एमएससी रेगुलर है, एमए पॉलिटिकल साइंस है। ये देखिए, आपका 2 साइंसेस सोशल साइंस आपने पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, आपका एसएसटी जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। उसके साथ आपने जैसे लिटरेचर पंजाबी पढ़ा है, तो पंजाबी आपका एसएसटी पंजाबी आपका पढ़ेगा। ये आप पता होना चाहिए कि आपने जो इलेक्टिव पंजाबी पढ़ी हुआ है तो आपका ये बेस्ट है कॉम्बिनेशन। नहीं, आपका क्वेश्चन है ना कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन का देखा जाएगा, ग्रेजुएशन को ही फोकस कीजिए। जब आपने जॉब गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होना तो भी आपका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट ही पढ़े हुए होने चाहिए। ये इसलिए आपको गाइड किया है एसएससी, क्योंकि 3-3 साल आपने 3 साल हिस्ट्री 3 साल पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है और पंजाबी 3 साल पढ़ी हुई है, एज ए इलेक्टिव पंजाबी है। आप सीधे ही 2 टीचिंग सब्जेक्ट के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे, एक तो सोशल साइंस, दूसरा पंजाबी, और इनकी पोस्ट भी ज्यादा निकलती है। नेक्स्ट है, सर मैंने बीएमए हिस्ट्री हिंदी सोशियोलॉजी पढ़ी है, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के हिसाब से आपका एसएसटी बन गया, ठीक है, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है हिंदी के साथ। एसएसटी हिंदी ये भी 3 साल पढ़ी है, ये भी 3 साल पढ़े हैं 2 सब्जेक्ट, दैट इज वाई आप गवर्नमेंट जॉब के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो जाओगे, दिस इज बेस्ट कॉम्बिनेशन। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कौन सा कॉम्बिनेशन है? सर आप यहाँ पर एंटर कीजिए, जो पंजाब BEdAdmissions.org पर एंटर कीजिए, उसके बाद यहाँ पर कॉलेज वाइज सीट मैट्रिसेस होगा, उसमें एंटर कीजिए। आप जिस भी एरिया में है या जिस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज में सीट लेना चाहते हो उसको क्लिक कीजिए। फॉर एग्जांपल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में हो उसको क्लिक कीजिए,
तो उसमें जो अवेलेबल कॉलेजेस हैं वो आ जाएंगे, उनकी लिस्ट आप जिस कॉलेज को क्लिक करोगे उसका सीट मैट्रिक्स सामने आ जाएगा, आप नोट कर सकते हो आपके प्रेफरेंस वाले जो कौन से सब्जेक्ट उस कॉलेज में है। तो आपने सबसे पहले देखना है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बाद आपने तीन चार नजदीक के कॉलेज की लिस्ट मिलेगी, उनको क्लिक करके अपना एनालिसिस कर लिया। सर आल्सो मैंने स्पेशल बीएड के लिए भी अप्लाई किया है जिसके बारे में मुझे खास नॉलेज नहीं है, तो आप प्लीज स्पेशल जो है बीएड है उसके देखिए स्पेशल ये आप अच्छा कर रहे हो उसके लिए अप्लाई कर रहे हो क्योंकि जॉब की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन आपके एरिया में हो जाएगी। तो क्या है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें जो डिविएटेड बच्चे हैं बेशक वो फिजिकली हैंडीकैप हैं, मेंटली रिटार्डेड हैं, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप हैं, जो 2016 का जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एक्ट बना हुआ है 21 डिसेबिलिटीज हैं, तो वो सभी डिसेबिलिटीज को एजुकेशन में बच्चों को शामिल किया जाएगा स्कूल में, तो उनके लिए अलग से स्पेशल टीचर ट्रेनिंग ट्रेन चाहिए। अब एक एमआर बच्चे हैं उनके लिए अलग से टीचर ट्रेनिंग होगी, स्पेशल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा, जैसे मेरे ख्याल बीसीएम में था और दूसरा नवजीवनी में है, तो जो स्पेशल ऑफर कर रहा है बीएड कोर्स कर रहे हैं तो क्या आप उस कोर्स के लिए लगना चाहते हो? जब पोस्ट निकलती है तो एमआर बच्चों के लिए मान लीजिए निकलती है तो आप ही बचोगे जो एलिजिबल होगे और आप अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें आपने जनरल बच्चों की स्टडी नहीं करनी। ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में क्या है, ये देखिए कि ये मान लीजिए ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बना रहा हूं, ये बन गई है ना, तो ये बच्चे जो हैं यहां तक और यहां तक ये वाले मिडल के एवरेज बच्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चे का आईक्यू है जो ये एवरेज है, मान लीजिए 100 आईक्यू है, तो यहां तक जो बच्चे हैं उनका आईक्यू बहुत कम है, बिलो एवरेज, यहां से स्टार्ट होता हो जाता है और इधर भी बिलो एवरेज, यानी यहां पर ये प्लस वाले गिफ्टेड बच्चे आ गए है ना। तो मान लीजिए आईक्यू है, जिन बच्चों का आईक्यू 70 से कम है मान लीजिए तो उनको एमआर कहा जाता है, जिनका 50 से कम है उनको सीएमआर, फिर ट्रेनेबल टीएमआर। तो इन बच्चों को टीच करने के लिए जिनका आईक्यू 70 से कम है उनको टीच करने के लिए आपको बीएड 2 साल में इन बच्चों पर ही फोकस करवाया जाएगा। जो जनरल बीएड की बाकी की काउंसलिंग चल रही है वो नॉर्मल बच्चों के लिए है, थोड़ा सा 5% जो पोर्शन है वो इनका हो सकता है, लेकिन 95% वो कॉमन बच्चे ही होंगे जो जनरल बीएड प्रोग्राम जो एडमिशन चल रही है। तो आप जब स्पेशल करते हो तो अगर एमआर की कर रहे हो तो आप इन बच्चों के लिए टीचर आपको तैयार किया जाएगा और इनकी जो पोस्ट निकलती है कि इन बच्चों के लिए टीचर चाहिए, गवर्नमेंट जॉब भी निकलेगी तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो नेचुरली आपका सिलेबस मेंटली रिटार्डेड बच्चों का होगा, टाइप्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड पेपर, उनकी साइकोलॉजी, उनकी प्रैक्टिकल भी, उनके स्कूल में जाना होगा, ऐसे स्पेशल एजुकेशन जो की बीएड होगी। एमआर की जगह पर अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो नेचुरली ये जो नॉर्मल लर्निंग वाले बच्चे हो गए, ये लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हो गए नेगेटिवली डिवेटेड, आपका 2 साल इन्हीं बच्चों पर लगेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैंने बीएससी ऑनर किया है, जब भी बीएससी ऑनर आती है ना तो जिस सब्जेक्ट में आपने ऑनर किया है वो आपका मेजर सब्जेक्ट हो गया, जैसे यहाँ आपने मैथ्स बताया है तो मैथ्स आपका पक्का हो गया, किया है पंजाबी यूनिवर्सिटी से 12th में इंटर आर्ट्स विद मैथ्स एंड इलेक्टिव हिंदी। सर मुझे ये बताइए कि आपने इलेक्टिव हिंदी ग्रेजुएशन में पढ़ी है, अगर इलेक्टिव हिंदी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है तो आपका मैथ्स और हिंदी का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, अगर आपने ग्रेजुएशन में कोई और सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, इलेक्टिव इंग्लिश पढ़ी हुई है, मुझे यहाँ क्लियर नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है या प्लस टू में, तो अगर इलेक्टिव इंग्लिश है मैथ के साथ वो जो इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा है वो आप ले लीजिए, क्यों, क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट जब आप लेते हो तो वो 3 साल पढ़ा हुआ है और इलेक्टिव पढ़ा हुआ है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो क्राइटेरिया है अलग से वीडियो बनाया गया है उसके लिए
तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो जाओगे। मैथ्स के लिए आप एलिजिबल हो जो इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा है, बेशक वो हिंदी है, ग्रेजुएशन में जाएंगे वो आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाओगे, वो चूज कीजिए आप। हिमानी रावत है सर, बीएससी मेडिकल से जूलॉजी। तो जब आपने बीएससी मेडिकल कर ली, मेरे ख्याल में आपने अच्छा जूलॉजी इंग्लिश जर्नल पढ़ी है, जहाँ इलेक्टिव मेरे ख्याल में जर्नल होगी ना, तो इसको निकाल दीजिए, ये मत प्रेफर। बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, तो आपका मैडम बन गया जूलॉजी है, ये है। आप साइंस प्रेफर कीजिए, साइंस के साथ आपका अगर आपको इसको मिलाकर अगर आपको साइंस मिल जाती है और जूलॉजी के लाइफ पर बिना पर लाइफ साइंस मिलती है, तो ये आपका बेटर कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट साथ में इंग्लिश में ज्यादा है, लाइफ साइंस से ज्यादा, ये वो वीडियो देखनी होगी, हाउ टू चूज साइंस सब्जेक्ट बेस्ट कॉम्बिनेशन इन साइंस स्ट्रीम, है ना। इसके नीचे लिंक दिया गया है, तो उसमें बड़े फैक्टर हैं। अगर फैक्टर कौन से हैं थोड़ा बताऊंगा मैं यहाँ, कि साइंस के साथ अगर तो ये लाइफ साइंस की आप एमएससी करना चाहते हो, या मुझे बताया नहीं ना आपने एमएससी कौन सी करना चाहते हो, अगर तो लाइफ साइंस की करना चाहते हो, बायो की करना चाहते हो, तो आप लाइफ साइंस जरूर लो। अगर नहीं करना चाहते, आप इंग्लिश की तरफ भी जाना चाहते हैं, कई बच्चे जाना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश को प्रेफर करो। अगर आप ये चाहते हो कि यार जॉब जल्दी मिल जाए, तो आप साइंस को प्रेफर करो, क्योंकि साइंस जनरली आपने दो सब्जेक्ट अगर पढ़े हुए हैं, ये पढ़े हुए हैं, तीन तीन साल पढ़े हुए हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो जाओ, क्योंकि इंग्लिश आपने मेरे ख्याल में जनरल पढ़ी हुई होगी, दैट इज वाई इसको सबसे पीछे रखिए। इसके लिए एलिजिबल होने के कारण अगर इंग्लिश में आपका इंटरेस्ट है, तो आप को इंग्लिश का एडिशनल पेपर देना होगा ग्रेजुएशन में, 6 पेपर होंगे इसके, इलेक्टिव इंग्लिश, एंड आप इंग्लिश के लिए बाद में एलिजिबल हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ आ गया क्या? काउंसलिंग ऑनलाइन होगी? यस ऑनलाइन होगी। उसका मतलब क्या है कि आपने 9 से लेकर 21 अगस्त तक ऑनलाइन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आपने चॉइस फिल करनी है, मेजर सब्जेक्ट और कॉलेज दो चीजें फिल करनी है, ठीक है, उसका मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग है। उसके बाद कॉलेज आपकी आपको अलॉट कर दिया जाएंगे और आपने कॉलेज में जाके रिपोर्ट करनी है, वहां वेरिफिकेशन होगी। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते आपको आप पूछ रहे हो गैप सर्टिफिकेट, 1 दिन में बन जाता है, 10 मिनट में बन जाता है, कोई इसकी टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जी मेरा बीए विच हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन है, तो आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के मुताबिक आपका एसएसटी बन गया और फिजिकल एजुकेशन इसके साथ, एसएसटी एंड फिजिकल एजुकेशन आपका बेस्ट बन रहा है। क्यों? आपके पास बेसिक ऑप्शन मेरे ख्याल में जनरल इंग्लिश की भी होगी, आपने यहाँ नहीं बताया पंजाबी की भी होगी, है ना। एसएसटी इसलिए क्योंकि आपने हिस्ट्री 3 साल पढ़ी होगी, पॉलिटिकल साइंस 3 साल पढ़ी है, गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबल होना है तो 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए वो सब्जेक्ट, और फिजिकल एजुकेशन भी आपने 3 साल पढ़ा है, ये बेस्ट आपके लिए इसलिए है कि आप बीएड करने के बाद एकदम एलिजिबल हो जाओगे 2 पेडागोजिकल सब्जेक्ट के लिए, एसएसटी के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए। एसएसटी की पोस्ट भी, नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा होते हैं, कंपटीशन भी नो डाउट होता है, तो फिजिकल एजुकेशन सेकंड प्रेफर बन गई। अगर आप इसकी बजाय इंग्लिश या पंजाबी को चूज करते हो, तो वो ये आपने जनरल इंग्लिश जनरल पंजाबी पढ़ी होगी, अगर ऐसा जनरल है तो फिर आपको इसका जॉब की एलिजिबिलिटी के लिए 3 साल का 6 पेपर जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के देने होंगे, तो नेक्स्ट ईयर में आप फिर जाके इस लैंग्वेज के लिए एलिजिबल होंगे। दैट इज व्हाई एसएसटी एंड फिजिकल एजुकेशन इज बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर यू। सर लुधियाना में गवर्नमेंट कॉलेज है बीएड के लिए? लुधियाना में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, 5 गवर्नमेंट कॉलेज है मैंने बताए थे, चंडीगढ़ में है, जलंधर में है, फरीदकोट में है, ये जो है आपका मलेरकोटला है, पटियाला है। गुरजीत कौर मेरा होम साइंस है आपके पास, इलेक्टिव पंजाबी है, सोशियोलॉजी है, तो सब ने ग्रेजुएशन मेरे कॉम्बिनेशन किस कॉलेज बनेगा? आप कॉलेज पूछ रहे हो जिसमें भी होम साइंस है, आपका होम साइंस मेजर बनेगा, होम साइंस आपका मेजर बनेगा, और हाँ होम साइंस के साथ आपको पंजाबी लेनी होगी लैंग्वेज, होम साइंस और पंजाबी आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। काफी प्राइवेट कॉलेज में होगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज जलंधर में भी होम साइंस है मेरे ख्याल में,
तो आपका एरिया कौन सा है आपने ये नहीं बताया, क्योंकि नजदीक के कॉलेज में आपको देखना पड़ेगा। दैट इज वाई होम साइंस का कॉलेज कोई भी देख लीजिए, वहां आपका कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। सर मेरे मैसेज का प्लीज, एंट्रेंस ने दिया वो एडमिशन लेना चाहते हैं, मैनेजमेंट कोटा है 13% सीट्स होती हैं, गवर्नमेंट कॉलेज विच सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दी वीडियो बना दो सर प्लीज। हाँ ये देख लेता हूँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। हाँ थैंक यू। तो ये थे मेजर क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेरीज होंगी उनके भी जवाब ऐसे देता रहूंगा। जो लंबे जहाँ क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं उनका वीडियो ही बनेगा, वहां इतना लिखना डिफिकल्ट है, दैट इज वेरी सॉरी, इंडिविजुअली जवाब नहीं दे रहा हूँ, कॉमन जवाब दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट जवाब आपको मिलते रहेंगे। लर्न टू एक्चुअलाइज डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।